जहाँ पर धर्म है वहाँ संस्कृति है, और जहाँ संस्कृति है वहाँ मान और सम्मान है। वो यहाँ बनारस में हर व्यक्ति के मुख से मुझे मान सम्मान जो मिला, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बनारस वासियों को इस जन्म के अंदर जो ये मौका मिला बनारस में रहने का, मैं भी कामना करता हूँ कि हमें भी बार में शिव की नगरी में आने का मौका मिले। पहली बार आया हूँ और हमारा सौभाग्य। और यहाँ सफाई की व्यवस्था और स्मार्ट सिटी जो नाम लिखा है वो केवल नाम का नहीं है, वास्तव में स्मार्ट सिटी है। अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ इस तरह की सरकार योगी और मोदी जी के जो सानिध्य में चल रही है, निरंतर मैं प्रगति देख रहा हूँ। चारों तरफ सफाई है, अच्छी व्यवस्था है, पुलिस हर जगह मुस्तैद है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है, पूरी तरह से सफाई है। और मैं चाहता हूँ कि पूरा देश इसी तरह से साफ सफाई और कानून व्यवस्था में रहे जैसा हमारा बनारस है। जय बनारस। आपने 2400 घंटा दर्द रोकता है। बनारस की जो गलियाँ थी, संस्कृति, वो नष्ट हो गया। बनारस की गलियाँ 52 किलोमीटर में जानी जाती थी। अच्छा। आज वो नष्ट हो गया है। कैसे? ये तो जिस गली में आप बात कर रहे हैं उस गली में गलियाँ थी। अच्छा। गलियों लोग 52 किलोमीटर लोग पैदल चलते थे, गलियों का शहर था। आज गलियों के शहर को हटाया गया। ये बात बात कर रहे हैं, कॉरिडोर में ऐसा कौन सा काम हो गया चमत्कार बता दीजिए, कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया? अगर यह मंदिर है, मंदिर हटा कर इतने मकान खरीद को बना दिया जाए, बिल्डिंग बना दिया जाए और टूरिस्ट प्लेस के लिए बनाया जाए, तो इसे कौन से चमत्कार वाली बात हो गई? तो विकास का पहले बनारस में नहीं आते रहे? ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, हजारों हजारों वर्ष पुरानी है। सुनिए, गलियों का शहर है, लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी है किसी कह। तो अध्यात्म की गंगा जहाँ से बहती है उसका नाम बनारस है, गलियों का शहर बनारस है, पूरे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने वाला शहर बनारस है। बनारस की अलग अलग तस्वीरें आप लगातार समाधान इंडिया के जरिए देख रहे थे, और आपको हम बता दें कि खास करके भीड़ जो बनारस में इस बार उमड़ पड़ी है उसकी वजह बनारस में उद्घाटन किए गए कॉरिडोर की वजह से। लेकिन फिर भी आम लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं, आपको बता दें कि अभी आम लोगों के लिए कॉरिडोर जो है सो नहीं खोला गया है, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चल रहे हैं। शायद यही एक वजह है कि समाधान इंडिया भी अंदर की तस्वीर आप लोगों को दिखा पाने में असमर्थ हुई। लेकिन बनारस का क्या मिजाज है, और ख़ास करके पिछले 2 से 3 दिनों में जिस तरह से बनारस में भीड़ बढ़ी है, उसको लेकर के हम लोगों की राय जानना चाहते हैं कि आखिर बनारस आकर के लोगों को कैसा लग रहा है। हमारे साथ कुछ बिहार से आए हुए लोग हैं, क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम दिवाकर प्रसाद है। दिवाकर जी, कैसा लगा बनारस? कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से कैसा लगा बनारस? बहुत अच्छा। पहली बार आए क्या बनारस? हाँ, पहली बार आए। पहली बार आए, दर्शन कर लिए एकदम? अच्छा, कॉरिडोर का दर्शन हुआ क्या? एकदम कॉरिडोर वगैरह, लेकिन अंदर जाना मना था। अभी अंदर जाना मना। गर्भगृह चले गए? हाँ, गर्भगृह चले गए। चले गए। और बाकी गंगा आरती कैसा लगा? गंगा आरती भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आई हैं? सब साथ। कैसा लगा बनारस? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मानसी। कैसा लगा बनारस? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए, तो बहुत लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ और भी लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सर, मैं शिवराम तंवर हूँ, गुड़गांव हरियाणा से आया। अच्छा, हरियाणा से हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं शिवराम तंवर हूँ। अच्छा। और यहाँ की काफी जिज्ञासी थी कि अपने वहाँ जाए। बाबू कुछ बोलना चाह रहे हैं, कैसा है बनारस? जय शिव। बोलो जय शिव। जय शिव। कैसा लगा बनारस? कैसा लगा बनारस? बोलो अच्छा लगा। चलिए, बच्ची है, बड़ा जिज्ञासा था। हाँ जी, आप बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से, जहाँ पर धर्म है वहाँ संस्कृति है, और जहाँ संस्कृति है वहाँ मान और सम्मान है। वो यहाँ बनारस में हर व्यक्ति के मुख से मुझे मान सम्मान जो मिला, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बनारस वासियों को इस जन्म के अंदर जो ये मौका मिला बनारस में रहने का, मैं भी कामना करता हूँ कि हमें भी बार में शिव की नगरी में आने का मौका मिले। धन्यवाद। पहली बार आए क्या आप? पहली बार आया। मजा आ गया? नहीं, बिल्कुल आनंद, बिल्कुल आनंद, बहुत ही सुंदर जगह। क्या चाचा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम चरण सिंह तिवती। कहाँ से आए आप? हरियाणा पलवल। अच्छा, हरियाणा पलवल। कैसा लगा बनारस? पहली बार आए? अच्छा लगा, बहुत गुड। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ जी आपका? चरण सिंह नागर। कहाँ से? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। कैसा है बनारस? पहली बार आए? पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बढ़िया लगा। बिल्कुल। कॉरिडोर तो अंदर जो बन रहा है वो तो नहीं देख पाए? बहुत नहीं, अंदर देख कहें, घाट में भी गए। हाँ, बहुत सुंदर लगा, और शंकर भगवान के दर्शन भी हो गए। नहीं नहीं, मोदी जी ने जो उद्घाटन किया कॉरिडोर का, वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उधर जाने का मना ही था। गर्भगिरी का दर्शन किया, बाकी गंगा घाट हुआ है, गंगा घाट भी हुआ है। आरती देख ली आपने? क्या नाम है भैया? हाँ जी, मेरा नाम अमरजीत शर्मा है। कैसा लगा बनारस? बहुत अच्छा लग रहा है, और पावन धरती है, इस पे आने से लोगों के सारे पाप कट जाते हैं, जो एक मान्यता है उसके अकॉर्डिंग हमें ये महसूस हो रहा है कि आने वाला जन्म हमारा सुधर जाएगा,
और सबका कल्याण होगा। निश्चित तौर पर मोक्ष प्राप्ति करने की जो ये जगह है अपने आप में कई विशेषताओं के साथ ये बनारस शहर इतिहास और ना जाने कितने चीज़ों को समेटे हुए ये बनारस कई चीज़ों को सिखाता है। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम शमशेर सिंह रावत, मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। कैसा लगा बनारस, पहली बार आए? मैं पहली बार आया हूँ। अरे हमारा सौभाग्य, और यहाँ सफाई की व्यवस्था और स्मार्ट सिटी जो नाम लिखा है वो केवल नाम का नहीं है, वास्तव में स्मार्ट सिटी है। अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ इस तरह की सरकार योगी और मोदी जी के जो सानिध्य में चल रही है, निरंतर मैं प्रगति देख रहा हूँ। चारों तरफ सफाई है, अच्छी व्यवस्था है, पुलिस हर जगह मुस्तैद है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है, पूरी तरह से सफाई है, और मैं चाहता हूँ कि पूरा देश इसी तरह से साफ सफाई और कानून व्यवस्था में रहे जैसा हमारा बनारस है। जय बनारस। आपने सफाई की बात की, बहुत देखिए आप इधर की सफाई कर्मी जो हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं। भैया एक सेकंड झाड़ू रोक के एक बताइए, क्या नाम है आपका? विनोद रावत। विनोद रावत जी, ये झाड़ू कब तक कब कब लगती है यहाँ? 2400 घंटा झाड़ू लगता है यहाँ। 2400 घंटा जी, साफ सफाई खूब होती है। तो कई लोग हैं जो अभी भैया बता रहे थे कि साफ सफाई के माहौल में अगर देखा जाए तो यहाँ जो है सो साफ सफाई जो है सो देख सकते हैं कि लगातार होती रहती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में अभी गंगा आरती हो रही है, और ये जो जगह है शाम को गंगा आरती होती है, और जो है सो बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ जो है सो देखने को मिलता है। कुछ भैया लोग देख रहे हैं, कुछ आप लोग कहना चाहते हैं, क्या नाम है भैया आपका? प्रहास मार्च रसिया। कहाँ से हैं आप? बनारस से, लोकल। बनारस से ही है। अच्छा, बनारस बदल गया क्या? बहुत ज्यादा बदला भैया। कितना बदल गया बनारस? अरे कितना बताया जाए आपको, नीचे से ऊपर तक बदल गया, पूरा बदल गया एकदम। अच्छा, अभी जो देख रहे हैं 2-3 दिन से लगातार इतना भीड़ जो देख रहे हैं, ये वजह क्या है? इसका वजह कॉरिडोर, कॉरिडोर, कॉरिडोर तो आम लोगों के लिए बंद है अभी। नहीं बंद है तो नहीं, ऐसा कंस्ट्रक्शन तो बंद हो रहा है, अभी खुलेगा बाद में, और भीड़ आएगी। अच्छा, मोदी जी आए तब से सुन रहे हैं कि भीड़ बढ़ गया बहुत। नहीं वो तो आना ही आना है भैया, उनको भीड़ तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि चालू है कॉरिडोर, मंदिर परिसर बढ़िया हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बात बताइए, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस ही, ये बताइए कि बनारस में अभी और जो मंदिर परिसर है जिस आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदल गया, अभी जो यहाँ लोग आ रहे हैं वो जो फॉरेनर थे, अभी कोविड की वजह से हालांकि बहुत कम ही आना जाना हो रहा है, लेकिन जो आम लोग थे, जो भारत के खास करके लोग थे, वो उसकी संख्या लग रहा है कि ज्यादा बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। फॉरेनर तो शुरू से ही आ रहे नहीं, फॉरेनर तो बहुत कम है इस समय, लोग कोविड की वजह से, और पब्लिक आ रही है, और पब्लिक आ रही है, और पब्लिक आ रही है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद वर्मा है। कहाँ से हैं आप? ये बनारस के। बनारस के, बनारस बदल गया नहीं? ऐसा कुछ नहीं लगा बनारस के, हमारा बनारस के गलियों, बनारस की जो गलियाँ थी संस्कृति वो नष्ट हो गया। बनारस की गलियाँ 52 किलोमीटर में जानी जाती थी। अच्छा। आज वो नष्ट हो गया है। कैसे? ये तो जिस गली में आप बात कर रहे हैं उस गली में गलियाँ थी। अच्छा। गलियों लोग 52 किलोमीटर लोग पैदल चलते थे, गलियों का शहर था, आज गलियों के शहर को हटाया गया। ये बात तो है कि बनारस को गलियों का शहर के नाम से जानते थे, तो गलियों गली कैसे हट गया? आप जाके घूम, हम देखे हालांकि, घूम के देखिए। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कॉरिडोर में ऐसा कौन सा काम हो गया, चमत्कार बता दीजिए, कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया? अगर यह मंदिर है, मंदिर हटा कर इतने मकाने खरीद को बना दिया जाए, बिल्डिंग बना दिया जाए और टूरिस्ट प्लेस के लिए बनाया जाए, तो इससे कौन सा चमत्कार वाली बात हो गई? नहीं तो इससे तो विकास हो गया ना, कई लोग आएंगे। अरे विकास का पहले बनारस में नहीं आते रहे? अच्छा। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, हजारों वर्ष पुरानी है, सुने, गलियों का शहर है, लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी है, किसी के आने और जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गलियों के शहर बनारस को कई लोग ये भी कह रहे हैं कि संस्कृति को नष्ट कर दिया गया गलियों को तोड़कर, हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि इसे सुंदर बनाया गया है, लोग जो हैं वो आ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम विशाल औंडेकर। अच्छा, आप कहाँ से? जी वाराणसी में। अच्छा, एक भैया है वो कह रहे हैं कि गलियों को तोड़ के संस्कृति का भी नष्ट कर दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था, आप क्या कहना? नहीं, ये गलत बात है। आज काशी में टूरिस्ट आते हैं, गली गली घूम घूम के विश्वनाथ मंदिर जाते रहे, आज लोग जाएंगे तो 2-4 आदमी एक साथ जाएंगे, और मंदिर में गर्भगिरी में विश्वनाथ जी में कॉरिडोर तोड़ने से बढ़िया होने से आज लोग और काशी विश्वनाथ मंदिर लोग आना चालू हो गया। जो लोग काशी काली टाटा स्काई में दर्शन करते रहे आज वो वाराणसी में आते, गंगा आरती दर्शन करते, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते। हर व्यक्ति से पूछेगा जो 60 साल में कभी नहीं हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सांसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जो 7 साल में हुआ आज तक कभी 60 साल में नहीं हुआ, और विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर एक नंबर का हो गया यहाँ पर, नंबर का हो गया। चलिए तो अच्छा, आप यहीं से हैं, कई लोग कॉरिडोर के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया कॉरिडोर कब तक खुलेगा, आप लोग यहीं के हैं, अनुमान है क्या कब तक खुलने का? कम से कम अभी 4-5 महीना वो लगेगा सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, और आने वाले दिन में टूरिस्ट यहाँ और बढ़ेंगे, व्यापार मिलेगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कई लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि आपको बता दें कि हम आपको गर्भगिरी की तस्वीर जो काशी विश्वनाथ की है वो हम आपको नहीं दिखा पाए,
क्योंकि यहाँ जो बनारस है, खास करके काशी विश्वनाथ मंदिर जो अपने आप में कई चीज़ों को समेटे हुए है, ऐसे में ये काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वहाँ, और शायद उसके बाद जिस तरह से हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है यहाँ पे जो है सो आप गंगा आरती देख सकते हैं कि यहाँ का गंगा आरती जो है अपने आप में बेहद ही अद्भुत है, बेहद ही अनोखा है। हालांकि इसकी जो और तस्वीरें हैं वो समाधान इंडिया के जरिए आप देखेंगे, लेकिन यहाँ की विशेषताएं बता दें कि कई लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि किस तरह से बनारस शहर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये बनारस जो घाट है जहाँ गंगा आरती होती है वो, ये घाट अपने आप में दशाश्वमेध घाट इसको बोला गया है, जहाँ बताया जाता है कि राजा दशरथ जी जब यज्ञ करवाए थे तो उसी घाट पे था। उस घाट की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ये जो परिसर है अपने आप में अलौकिक, अपने आप में अद्भुत और अपने आप में बेहद ही रोमांचकारी है। सुंदर तस्वीरें हैं और ख़ास करके बता दें कि 3 दिनों से लगातार यहाँ जो है वो भीड़ भी बढ़ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ का जो भीड़ का दृश्य है कुछ इस तरह से है कि काफ़ी संख्या में जो है दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी जो तादाद है एक तरीके से समझिए कि बनारस में अभी दो तीन दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। हम आपको मंदिर की तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं, वहाँ अंदर गर्भगृह में कैमरे ले जाना मना है। हालांकि अंदर जो कॉरिडोर का जो कंस्ट्रक्शन है वो जो अभी काम जो चल रहा है वहाँ अभी कई चीज़ें अभी जो है सो काम चल ही रहा है, इसी वजह से हम आपको वो चीज़ तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन बनारस में जहाँ महादेव की गूंज है, जहाँ संस्कृतियों को समेटे बनारस अपने आप में एक अद्भुत और अपने आप में अकल्पनीय अविश्वसनीय जगह है, उसकी सुंदरता उसकी भव्यता हम शायद शब्दों से बयां नहीं कर सकते। ये आपको बता दें कि जहाँ से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहीं से महज कुछ ही दूरी पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है और तमाम 84 घाट इसी जगह पर मौजूद हैं और इसे गंदोलिया चौक कहा जाता है, जो अपने आप में भी अनोखा है, अपने आप में भी सुंदर है। तो समाधान इंडिया की ये खबर आप देख रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सहयोगी महेंद्रराज और समाधान इंडिया टीम के साथ मैं विकास यादव, बनारस।